welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, guys. So in today's video, I'm going to create this makeup look. And guys, if you are new to my channel, then please subscribe my channel. And guys, let's get start this video. So guys, first of all, moisturizer. यहाँ पर मैं Biotic का morning nectar cream use में ले रही हूँ. ये guys, ये काफी runny consistency moisturizer है. तो काफी easily आपकी skin पे absorb हो जाएगा. And guys, इसे evenly अपने face पर spread करूँगी मैं. अपनी अंडर आई के नीचे भी काफी अच्छे से अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके अंडर आई मेकअप काफी जल्दी क्रैक ना हो और काफी स्मूथ रहे और काफी ब्लेंडेबल रहे. सो गाइस, नेक्स्ट फॉर द लिप बाम, यहाँ पे मैं नीविया की लिप बाम यूज में लूंगी और इससे अपने लिप्स को प्रेप कर लूंगी. तो आईब्रो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन की अरिस्टो आईब्रो पेंसिल यूज में ले रही हूँ इन द शेड ब्राउन. एंड इसके एक साइड आपको स्पूली मिलता है और एक साइड आपका प्रोडक्ट मिलता है. सो गाइस, ये काफी अफोर्डेबल साइड पे काफी अच्छा आईब्रो पेंसिल है. सो फर्स्ट आज अपना आई लुक फर्स्ट करेंगे, उसके बाद अपना बेस मेकअप करेंगे गाइस. सो काफी आपको बहुत हल्का हल्का स्ट्रोक से अप्लाई करना है. देन यू हैव टू कॉम विद दिस स्पूली एंड गाइस फिर से इसे अप्लाई करना है एंड स्पूली से कॉम करना है ताकि आपका प्रोडक्ट इवनली स्प्रेड हो और आपकी आईब्रोज काफी ज्यादा नेचुरल लुक दे आपको. यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज में ले रही हूँ इन द शेड 02 सैंड और इससे मैं अपने आईलिड्स को प्राइम करूंगी और अपनी आईब्रोज को क्लीन करूंगी. यूजिंग कंसीलर ब्रश मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी. नेक्स्ट आई एम पिकिंग दिस ब्राउन शेड एंड इसे अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी. सो गाइस, ऑलवेज आपको एक्सेस को डस्ट ऑफ करना है. नेक्स्ट वाइज मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी इन अ सर्कुलर मोशन. सो गाइस, एज यू कैन सी, इसे मैंने अपने ओवरऑल आईलिड पे अप्लाई किया है एंड उसे ब्लेंड कर रही हूँ. नेक्स्ट गाइस, आई एम पिकिंग दिस शेड एंड इसे अपनी क्रीज लाइन पे और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी. So guys, next for the primer, यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज में ले रही हूँ. ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. ये अच्छा प्राइमर है. As you can see, ये इसका टेक्सचर काफी सिलिकॉन बेस्ड है. तो ये आपके पोर्स को काफी अच्छे से मिनिमाइज कर देता है, आपके स्किन को काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है गाइस. सो फाउंडेशन आपकी स्किन पे काफी इजीली ग्लाइड कर सके. एंड गाइस, मेरी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ लग रही है. सो गाइस, नेक्स्ट फॉर द फाउंडेशन, यहाँ पर मैं लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन यूज में ले रही हूँ इन द शेड W180 वार्म नेचुरल. गाइस, ये थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में है एज यू कैन सी. तो ये ज़्यादा थिक फाउंडेशन नहीं है, तो ये आपको शीयर कवरेज ही प्रोवाइड करेगा. एंड गाइस, इसे आप बिल्ड कर सकते हैं एंड ये आपको काफ़ी नेचुरल प्लस ड्यूई फिनिश देता है गाइस. सो आई एम ब्लाइंडिंग विथ माई ब्लाइंडर. सी गाइस, ये कितनी इजीली ब्लाइंड हो रहा है. अच्छा कवरेज प्रोवाइड किया है और ये काफी ज्यादा ड्यूई फाउंडेशन लग रहा है. नेक्स्ट गाइस, फॉर द कंसीलर, यहाँ पर मैं मेबलिन का कंसीलर यूज में ले रही हूँ इन द शेड 20 सैंड और इसे अपने हाइलाइटिंग एरियाज पे अप्लाई करूंगी लाइक अंडर आई एरिया, आउटर कॉर्नर. नेक्स्ट वाइज मैं इसे सेम ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी.
नेक्स्ट गाइस फॉर द लूज पाउडर, यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर ले रही हूँ इन द शेड बनाना। एंड गाइस इसे अपने अंडर आई एरिया प्लस ओवरऑल फेस पे अप्लाई करूंगी। सो गाइस फर्स्ट, अगर आपको कोई भी क्रीज है तो उसे ब्लाइंड कर ले अपने फिंगर से, एंड देन यू हैव टू सेट योर अंडर आई। फॉर द लोअर लैश लाइन, सेम इस शेड को पिक करके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे इसे अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट गाइस फॉर द काजल, यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का काजल यूज में ले रही हूँ एंड इसे अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी। So guys, next for the mascara, यहाँ पर मैं Maybelline का mascara use में ले रही हूँ और इसी से ही मैं अपने lower lash line को coat कर लूँगी। Next is for the blush, यहाँ पर मैं इस shade को pick करूँगी और इसी से अपने blush को apply करूँगी। नेक्स्ट गाइस फॉर द कंटोरिंग, यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड का किट यूज में ले रही हूँ और इसी से ही अपने फेस को कंटोर कर लूंगी। सो गाइस ये काफी अच्छा शेड है। ऑलवेज आपको फेस शेप बनाना है एंड देन कंटोर करना है। यहाँ पर मैं नायका का हाइलाइटर यूज में ले रही हूँ। सो गाइज यूजिंग दिस मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूंगी। गाइज एज यू कैन सी कितना अच्छा हाइलाइटर है, काफी ब्लेंडेबल है एंड काफी अच्छा हाइलाइटर। सेम हाइलाइटर से मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी। सेम हाइलाइटर से अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी। नेक्स्ट गाइज अपने फेस को सेट करने के लिए यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर यूज में ले रही हूँ। ये पैराबिन फ्री मेकअप फिक्सर है। एंड गाइज लास्टली फॉर द लिपस्टिक, यहाँ पर मैं Maybelline की लिपस्टिक यूज में ले रही हूँ इन द शेड न्यूड न्यूएंस एंड इसे अप्लाई करेंगे। And guys, here's the final look. I hope you like this video, and if you do, then please subscribe my channel.